हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं 10+2 बीटेक इंट्री के शॉर्टलिस्ट के बाद का आगे का प्रोसेस। इसके बाद क्या प्रोसेस है, कैसे आपको क्या करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो कल आपका डाउट था, कल वैसे काफ़ी चीज़ें मैंने बताया था कि काफ़ी टफ होता है, बट आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि SSB डेट आप चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है भी कि नहीं, TA कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही कॉन्टेंट मिलता रहता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ। एक मिनट की अपडेट है, आप यहाँ पे अगर अनअकैडमी पे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे बम्पर ऑफर चल रहा है। आप 20% ऑफर यहाँ पे डिस्काउंट जीत सकते हैं। अपना कोड यूज़ कर लेंगे GM10 तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कब तक, 14 से 16 मार्च के बीच अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, वरना आप सबको पता है कि 10% का ही डिस्काउंट मिलता है। सो 14 से 16 के बीच में अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो जाइए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जल्दी से कर लीजिए आगे यहाँ पे, क्योंकि प्रैक्टिस बैच कोर्स बहुत सारे लॉन्च किया गया है अनअकैडमी पे। NDA 1 के लिए टारगेट NDA 1 प्रैक्टिस बैच कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 5 अप्रैल को समाप्त होने वाला है। सारे एजुकेटर्स आपके स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। CDS के लिए स्कोर बूस्टर PYQs MCQs बैच स्टार्ट किया जाए, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो काफी अच्छी यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। NDA 1 के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं, 11 मार्च से 24 मार्च तक चलने वाली हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 25 मार्च से 7 अप्रैल तक चलने वाली है। अपना कोड यूज करेंगे GM10 तो आप इसमें फ्री में इनरोल कर सकते हैं। सो जाइए, इनरोल कीजिए एंड अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से कीजिए, एंड एग्जाम में आप NDA में अच्छा बूस्ट कीजिए। सो आपको करना क्या है कि अगर आप 14 से 16 मार्च के बीच सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप GM10 यूज करके आप 10% का डिस्काउंट के बजाय आप सिर्फ 20% का डिस्काउंट जीत सकते हैं। लेकिन कब तक, सिर्फ और सिर्फ 14 से 16 मार्च के बीच में। तो जाइए, इनरोल कीजिए एंड अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। इस टाइम पे है ज्वाइन इंडियन नेवी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 10+2 बीटेक एंट्री का, तो आप लोगों के पास शॉर्टलिस्ट का मेल आ गया होगा। जिनके पास मेल नहीं आया तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग एक बार अपनी जो मेल आईडी है एंड पासवर्ड, उसको जाके ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट्स पे लॉगिन करके चेक जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल नहीं आया था बट वो उन्होंने लॉगिन किया तो उन्हें पता चला कि वो भी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो सभी लोग एक बार जरूर चेक कर लें। अब आप लोगों को बता देता हूं कि अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है या फिर चैनल, दोनों इनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहां पे ही इसकी वजह से ही ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे लोगों ने डाउट पूछा था, जितने भी डाउट थे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए, मैंने स्टडी की एंड नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा, फिर नोटिफिकेशन में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो वो सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ। तो दो ग्रुप हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर सर्च करेंगे जेन्युइन बैंक ऑफिशियल या फिर जेन्युइन बैंक चैट्स, दोनों को ज्वाइन कर लेना, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे नोटिफिकेशन में मिली, सो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब हम चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पर। तो नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप शॉर्टलिस्ट हो ही गए यहाँ से। इसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि आपका जो रैंक के बेस पे आपका सिलेक्शन हो गया वो तो मान लो नॉर्मल है। इसके बाद का जो प्रोसीजर है आपका, जो बोल रहा है शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सिलेक्शन फॉर SSB इंटरव्यू ऑन देयर ईमेल ऑन थ्रू SMS एज प्रोवाइडेड बाई द कैंडिडेट्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी ईमेल वगैरह दिया होगा उस पर आपको आपका जो सेंटर है SSB का वो आपको बता दिया जाएगा सारी चीज़ें, एंड आपका जो ईमेल आईडी एंड नंबर ये ना चेंज करने की सलाह दी गई है यहाँ पे, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये चीज़ नॉर्मल थी। इसके अलावा जो आप लोगों का जो काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि क्या SSB डेट्स चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि चेंज ऑफ SSB वेन्यू फॉर इंटरव्यूज इज़ नॉट परमिसिबल। जैसे कि पहली बार पिछली बार होता था कि आप यहाँ पे आप अगर मेल करते हैं, जैसे कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर रखा था कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है, मैंने कल भी बता दिया था, लेकिन मैंने नोटिफिकेशन को ध्यान से फिर से पढ़ा तो फिर इसमें मुझे मिला कि नहीं, बिल्कुल ही इसमें मना कर दिया गया है कि आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल भी डाउट क्लियर हो गया होगा, जिनको भी चेंज करना था तो नहीं चेंज हो सकता, बिल्कुल भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बोला गया है। मैंने फिर से कल आप लोगों के जितने ज़्यादा डाउट थे उसके बाद मैंने फिर से इसको रीड किया अच्छे से, पूरा डिटेल्स निकाली, उसके बाद ये मुझे पता चला। सो यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको वहाँ पे इंजरी कोई हो जाती है तो आपको कोई भी कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, यानी कि मुआवजा आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, यानी कि आप अपनी सेफ्टी खुद ही रखें, ठीक है। इसके लिए आपको SSB के लिए नो रिस्क सर्टिफिकेट ये सब बनवाने पड़ेंगे, वो सब वहीं पे उसी कॉलम लेटर में आपको मिल जाएगा, आप उसको फिल करना है केवल बस। अब इसके अलावा बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो आपका
टीए, यानी कि टीए के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन, यानी कि फिर से मैं पूरा रीड कर देता हूँ इसको। एसी थ्री टायर रेल फेयर इज एडमिसेबल फॉर द एसएसबी इंटरव्यूज इफ अफेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ टिकट्स। कैंडिडेट्स रिक्वायर टू कैरी फोटो कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक आर चेक लीव फेयर द नेम अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। यानी कि बोला जा रहा है कि अगर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको टीए मिल जाएगा एसएसबी का। यानी टीए क्या होता है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ जिनको नहीं पता। टीए होता है कि फर्स्ट टाइम आप जब एसएसबी जाते हैं तो आपको वहाँ का पूरा किराया आने और जाने का मिलता है एंड वहाँ पे रुकने का तो वो वहाँ पे व्यवस्था करते ही हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जिनका भी टीए लेना है तो उन्हें बैंक की फर्स्ट पेज की कॉपी जिसमें उनका आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर एंड उनका नेम ये साफ साफ मेंशन हो, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। तो ये था एसएसबी का आगे का प्रोसीजर। आपको आपकी ईमेल जो भी होगी उस पर आप जब वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे जॉइन इंडियन नेवी की तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी एसएसबी आपकी कब है, कहाँ पे है, किस सेंटर पे है, किस डेट को आप रिपोर्ट करना है। आपकी एसएसबी डेट चेंज नहीं हो सकती एंड आगे का प्रोसीजर आपको उस डेट पर एसएसबी रिपोर्ट करना है एंड आगे प्रोसीजर एसएसबी की तरह होता है, नॉर्मल 5 डेज का प्रोसीजर वो होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आगे का प्रोसीजर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के पास जो भी मेल आता है या फिर जो भी अगर इंपॉर्टेंट कुछ लगता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में आप मत सेंड करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे जेन्युइन बैंक तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो फिलहाल अगर इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आस्क कर लेना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो आज के वीडियो में फिलहाल इतना रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।